हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का सिलेबस, कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स की ओल्ड बुक है, इट्स ओके, उससे भी हो जाएगा। बस कुछ चैप्टर, कुछ एक्सरसाइजेस में डिलीट है, वो डिलीट कर लेना। ठीक है, और उसकी वीडियो मैं अलग से आपको बना दूंगी। ओल्ड बुक अगर ज़्यादा बच्चों के पास है तो आप मुझे कमेंट कर लेना। अगर 50 स्टूडेंट के भी कमेंट आ गए कोई ओल्ड बुक है आपके पास, तो उसमें क्या पार्ट आपने पढ़ना है, क्या कट करना है, वो मैं सारा बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। और हमारा एक दूसरा चैनल है कल्पना 17, उसको भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पर हम आपको बोर्ड्स की सारी अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर है अपना टेंथ का जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस, ये यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे टोटल अगर हम चैप्टर की बात करें तो टोटल चैप्टर यहाँ पर हैं आपके 14 चैप्टर हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो हो गया आपका रियल नंबर, यहाँ से रियल नंबर के जो भी बीच बीच में पोर्शन हैं ये भी यहाँ लिखे हुए हैं। वैसे आप चैप्टर वाइज देखो, बाकी बीच में क्या कट करना है क्या नहीं करना उसके वीडियो में बाद में बता दूंगी, बस आपके फटाफट ढेर सारे कमेंट आ जाए। तो उसके बाद पॉलीनोमियल है अगला चैप्टर, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके बाद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद आपका ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये आपके टोटल 14 चैप्टर हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल हुई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।